गाइस वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी जैसे शाम की बज गए हैं 4, तो आज मेरा थोड़ा मन उदास था। आज मेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा था। मेरा मन था कि मैं घर जाऊँ, पंजाब में जाऊँ, तो वो हम लोग कहीं जा नहीं सकते, तो ये बोलते हम लोग थोड़ा बाहर चलते हैं आउटिंग के लिए। और इनको पता है कि जैसे मेरा मूड थोड़ा जैसे बीच पे जाके थोड़ा ठीक हो जाता है, तो हम आज अभी जा रहे हैं हमारे पास में जो बीच है वहाँ घूमते हैं। मुझे ये था कि हम लोग तो जा ही रहे हैं बीच पे, तो मैं क्यों ना आप लोगों को भी साथ लेके जाऊँ अपने, तो बाकी आपका भी थोड़ा मन खुश हो जाएगा। तो बाकी ये जैसे खुशी बीच थोड़ा रास्ता दूर था, 15 मिनट का रास्ता था, तो ये तो सिर्फ 5-7 मिनट का रास्ता है। तो आज हम चलते हैं, घूमते हैं बीच पे और थोड़ा अपना मन करते हैं शांत और करते हैं इंजॉय। तो हो चुके हैं रेडी, तो अभी हम लोग जाएंगे इधर जो गाँव पड़ता है हमारे पास में उच्ची पुली, तो वहाँ आपको दिखाते हैं अभी गाँव। तो अभी चलते हैं, टाइम बहुत हो गया, शाम का टाइम है, तो हमें अंधेरा जल्दी हो जाएगा, तो चलते हैं अभी मिलते हैं। लोग अभी आ गए हैं, देखो बाइक पे बैठे बिहान, अरे बिहान देखिए। तो ये देखो मोर भाई, रास्ते में आते आते यहाँ पे इतने मोर हैं, पर मैं जब भी इनको पकड़ने की कोशिश करती हूँ ना, वो भाग जाते हैं, भागे भागे बिहान। वो देखो, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा, वो देखो छोटी छोटी सी मोर। ओए भाई आ जा इधर, ओहो चले गए वो। और मेरा बड़ा मन करता है यार इनसे मिलने को ना सच में। वो देखो बड़े बड़े भी हैं, वो अंदर है, वो जंगल सा ना, तो बड़े बड़े वो उस साइड है, तो हम जब भी इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, तब भी अंदर चले जाते हैं। पकड़ना क्या, हमने तो देखना ही है इनको। ये देखो बीच पड़ती है हमें, जो हम मैंने आपको गांव दिखाया है, गांव के बिल्कुल पास ये बीच पड़ती है। तो देखो भाई बीच पे आके तो इतना मजा आता है, इतना सुकून मिलता है मुझे, मैं तो इतनी इतनी सारी चीज बनाती हूँ, इतनी सारी यहाँ पे, इतना मजा आता है, इतना पूछो मत। ये देखो पानी, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये देखो भाई बीच के नजारे, ओह विहान, एक तो विहान ही नीचे दिखता है, तो विहान इसने सारे अपने हाथ खराब कर लिए, कपड़े खराब कर लिए। विहान क्या कर रहा है बेटा, ये देखो, ये देखो भाई शाम का मौसम हो और शाम का ठंडा ठंडा मौसम हो, और देखो पानी में बीच में नजारे देखो आप, कितना मजा आता है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मन खुश हो रहा है यहाँ पे आके ना। तो ये देखो पीछे वाले, पर एक तो यहाँ पे बाल इतने खिल रहे हैं ना, ये देखो मेरा राजा। यहाँ पे सच्ची हवा, बीच पे आते हो ना, पानी इतना सारा पानी को देखते ना, आपका जितना भी स्ट्रेस होता है, जितना भी जो भी होता है, सारा ही जीरो हो जाता है। और आपकी और मन की इतनी खुशी है ना देख के इसको। देख सकते हैं आप पीछे बोट लगी हुई है काफी सारी, और हम बोट में अभी नहीं जा रहे क्योंकि टाइम हो चुका है, टाइम शाम का टाइम है अभी, तो पानी भी ज्यादा है, तो हम बोट में अभी नहीं जा रहे हैं। तो बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ, पीछे काफी लोग खड़े हैं उस साइड, लिखता दिखता है।
5 मिनट का, 5 मिनट का आपको होगा वहाँ जब से। और हम लोग यहाँ पे आते ही रहेंगे और हम आगे भी आते ही रहेंगे। तो मुझे बहुत अच्छी लगी बीच वाली, क्योंकि मैंने पहली बार देखी है बीच वाली। जैसे मैंने केरला में तो काफ़ी बीच देखी थी, और जो इस साइड जो देखी बीच है वो मैंने पहली बार देखी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। बीच ये वाली जो गांव के पास वाली है, तो बाकी अभी चलते हैं क्योंकि अंधेरा होने लग गया, तो बच्चे के साथ आए हैं तो डर लगता है, तो आप अभी हम चलते हैं अभी घर। तो आज मैंने आपको उच्ची पुली की जो बीच है, बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली बीच, तो मैं आपको दिखा दी है। मेरा ये ब्लॉग बनाने का यही मोटिव था कि जैसे कि मैं जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे आना था उच्ची पुली पे, तो मैंने सर्च किया था कि उच्ची पुली की वहाँ का रहन सहन या कैसे है, तो वहाँ पे मुझे कुछ भी डाटा नहीं मिला था यूट्यूब पे। तो मुझे यह कि एटलीस्ट मैं ब्लॉग डालूँ और कल को कोई सर्च करे या कुछ भी है तो वो देखे एटलीस्ट कि वहाँ पे, यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं, यहाँ का कल्चर ऐसा है, तो अच्छा कल्चर है ऐसे यहाँ का। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा, देखने कुछ भी नहीं है, काफ़ी अच्छा बहुत तंग कर रहा है यहाँ, क्या कर रहा है बेटा। तो बाकी आपको दिखाते रहेंगे जब तक भी हम यहाँ पे हैं उच्ची पुली पे, तो आपको दिखाते रहेंगे, नए नए ब्लॉग तक मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं घर जाके। तो अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं, जस्ट अभी हम लोग घर पहुंचे हैं, तो बाहर अभी अंधेरा हो चुका है। तो बाकी आप मुझे बताना कि आपको आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा, कि आपने मेरे साथ बीच में कैसे इंजॉय किया, आपको मेरे साथ बीच देखकर कैसा लगा। तो बाकी आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नए ब्लॉग तब तक के लिए अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे ब्लॉग को लाइक और कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस, बाय बाय।